सब्सक्राइब कीजिए धन्वंतरी आयुर्वेदा को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धन्वंतरी आयुर्वेदा में फिर एक नए वीडियो के साथ। चाहे मर्द हो या औरत, हर किसी की चाहत होती है कि उसके बाल काले घने और सुंदर हों, लेकिन पोषक तत्वों की कमी और सही ध्यान न रखने की वजह से बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। साथ ही कई लोग बालों के रूखेपन से भी खासा परेशान होते हैं। इसलिए आपके बालों को सुंदर, घने और चमकदार बनाने के लिए हम लाए हैं कुछ घरेलू उपाय, जिनके जरिए आपके बालों को भरपूर पोषण और ताकत मिलेगी और आपके बाल हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दही को आयुर्वेद और विज्ञान दोनों में ही काफी फायदेमंद माना जाता है। बालों पर दही की मालिश करने से बालों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और वह काले और घने हो जाते हैं। दही को हिना के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं, इसे बालों पर लगाएं, कुछ दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा। कच्चा दूध बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसे भी बालों पर लगाने से उपयुक्त पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे बाल जड़ों से मजबूत होते हैं, बाल झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। करी के पत्ते, प्राचीन समय में बालों को काला करने के लिए करी के पत्तों का काफी इस्तेमाल होता था। एक टब में पानी लेकर करी के पत्तों को डाल दें, कुछ घंटों के बाद इस पानी से अपने बालों को धो लें। ऐसा रोज करने से कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखाई देने लगेगा। आंवला, बालों का झड़ना रोकने और उन्हें सफेद होने से बचाने में आंवला काफी मदद करता है। आंवले को काटकर उसके छोटे टुकड़े करें और उन्हें सुखाकर नारियल के तेल में उबालें, जब तक कि वो काले ना पड़ जाएं। यह तेल बालों में लगाने से बाल काले होने लगते हैं। 3 चम्मच आंवले के रस को 1 चम्मच बादाम के तेल और थोड़े नींबू के रस के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को रात में सिर में लगाएं और सुबह धो दें। यह मिश्रण आपके बालों को असमय पुकने से रोकता है। बालों के लिए संजीवनी है एलोवेरा। एलोवेरा बालों के लिए संजीवनी के समान काम करता है। यह न सिर्फ आपके बालों को खूबसूरत और चमकदार बनाता है, बल्कि बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों में जान डालने के लिए भी कारगर है। पतले बालों की समस्या से बचने और बालों को खूबसूरत बनाने के लिए एलोवेरा जेल को सिर में लगाएं और आधे घंटे रखने के बाद सिर धो लें। ताजे एलोवेरा जेल को बालों की बनावट में सुधार करने के लिए कंडीशन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेहंदी के पत्ते भी फायदेमंद। अगर आप पतले बालों को प्राकृतिक रूप से घने करना चाहते हैं, तो अपने बालों में मेहंदी लगाएं। मेहंदी को लगाकर अपने बालों को शावर कैप से ढक लें और लगभग 3 घंटों के बाद अपने बालों को धोएं। या मेहंदी पाउडर में 3 सेकंड 4 बड़े चम्मच नीम पाउडर, दही के 2 बड़े चम्मच, कॉफी पाउडर का 1 बड़ा चम्मच, काली चाय और नींबू एक साथ मिलाएं। उन्हें अच्छी तरह से मिलाकर पूरे सिर की त्वचा पर लगाएं, 30 मिनट या उससे अधिक के लिए छोड़ दें और फिर बालों को धोलें। ऑलिव ऑयल, अगर आपके बालों में पतलेपन की समस्या है और कोई उपचार काम नहीं आ रहा है, तो बालों में ऑलिव ऑयल से हफ्ते में केवल 1 बार मसाज करें। ऑलिव ऑयल आपके डैमेज बालों को दोबारा से मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि यह एक अच्छा कंडीशनर है। अगर आप हमेशा ऑलिव ऑयल का प्रयोग करती हैं, तो शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने से बालों से गंदगी को दूर करने और बालों की बनावट में सुधार करने में मदद मिलती है। बालों के लिए जादुई सिरका। सेब का सिरका बालों के लिए जादू का काम करता है। सिरके को पानी और एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके लें और नहाने से आधा पौना घंटे पहले बालों पर अच्छे से मालिश करें। ये आपके बालों को साफ करेगा और साथ ही बालों को काला करेगा और घना भी बनाएगा। शिकाकाय और सूखे आंवले लेकर को अच्छी तरह से कूट लें। दोनों के टुकड़ों को रात भर पानी में भिगो कर रखें। सुबह इस पानी को कपड़े के साथ मसल कर छान लें और इससे बालों की मालिश करें। मालिश करने के आधा घंटा बाद नहा लें। बालों के सूखने पर नारियल का तेल लगाएं। ऐसा करने से बाल काले, लंबे, मुलायम और चमकदार होते हैं। खास बात यह है कि शिकाकाय और आंवले से बाल कभी सफेद नहीं होते। वे जिनके बाल सफेद हों, तो वे भी काले हो जाते हैं। रीठा, 1 ग्राम कपूर, 100 ग्राम नागरमोथा और रीठे के फल की गिरी, शिकाकाय पाउडर और 200 ग्राम आंवला, इन सभी को मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को आधा ग्लास पानी में मिलाकर लेप बना लें। इस लेप को बालों में लगाएं। लेप सूखने के बाद गुनगुने पानी से बालों को अच्छी तरह धो लें। इससे बाल काले, घने और मुलायम होते हैं। रीठा, आंवला व शिकाकाय को आपस में मिलाकर बाल धोने से बाल सिल्की और चमकदार होते हैं। मेथी पाउडर, मेथी के बीजों में बालों को पोषण देने वाले सभी जरूरी तत्व मौजूद होते हैं। मेथी
मेथी के बीज में फॉस्फेट, लेसिथिन, न्यूक्लियोएल्ब्यूमिन और कॉड लिवर ऑयल के साथ फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, नियासिन, थियामिन, कैरोटीन आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करते हैं। मेथी दानों को ग्राइंड में पीस कर चूर्ण बना लें। चूर्ण में पानी मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और इस पेस्ट को बालों में लगाएं। इसे लगाने से बाल काला, घना और लंबा तो होगा ही, डैंड्रफ की परेशानी भी खत्म होगी। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल है, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी ज़रूरत है, और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।